हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका एक अंदर वीडियो में। और गाइस आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। जी हां गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है पैरासर को लेके, आई मीन पैरासर जो नॉर्मल डाइनो होता है, जो लेवल 10 के आसपास मिलता है, क्या उसको आप लेके गीगा से फाइट करा सकते हो, और क्या गीगा से फाइट करा के आप लोग गीगा से जीत सकते हो। चलिए गाइस आज हम लोग वही करने वाले हैं, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वही सारी चीज़ें। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि गीगा को फाइंड करना पड़ेगा। तो गीगा को फाइंड करने का इजी है, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, पहले कुछ पैरासूट को एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो उसको कंप्लीट करते ही जो हमारा गीगा पैरासूट एक्टिवेट हो जाएगा गाइस। आई मीन अभी फिलहाल के लिए आसपास कहीं दिखा रहा है इलेक्शन, तो यहाँ पे कुछ पैरासूट आते हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद जो गीगा हंट का पैरासूट आता है, तो उसका हम लोगों को इजी मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं तो गीगा हंट कर लेता, सर गीगा कह रहा है, इंजेक्शन हंट कर लेता हूँ। तो सामने रेस दिख रहे हैं, दो दो रेस दिख रहे हैं, तो कोई नहीं, मुझे कोई भी मार, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इनकी इनकी डैमेज वगैरह कितनी है। और नहीं तो लेवल 15 का इजी मार लिया मैंने, पॉइंट मिल चुके हैं हमें, एक कंप्लीट हो गया। बस हमें क्या देखना गाइस कि ये देखिए गीगा हंट हमारा आ चुका है, और नहीं तो इसी की तलाश थी हमें, तो गीगा हंट हमें मिल चुका है। ये देखिए ये रहा हमारा गीगा हंट, और अभी हम लोग गीगा हंट बाद में ले लेंगे। अब इसमें इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक पैरासर को टेम कर लेते हैं। सर पैरासर का नाम बार बार आ रहा है, पैरासर यानी पैरासर से इसका नाम है, आई थिंक जैसा भी नाम है। तो अभी चलिए हम लोग जल्दी से फाइंड कर लेते हैं उसको, और वो हमें मिलेगा करीब करीब इजी एरिया में। ये देखिए सामने दिख गया मुझे, और लेट गाइस तो ये मुझे सामने ही दिख चुका है, और मैं इसको जल्दी से टेम कर लेता हूँ। ये रहा हमारा, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मेल हो या फीमेल हो, बस हमें टेम करने से मतलब है, लेवल 5 है, इजी है गाइस, टेम कर लेंगे हम लोग। तो चलिए इसको जल्दी से नॉकआउट कर लेते हैं, देखते हैं क्या इससे नॉकआउट कर पाते हैं क्या हम लोग पैन से इसको। और तो पैन से नॉकआउट नहीं हुआ ये, मुझे दार्ट यूज़ करने पड़ेंगे अभी फिलहाल के लिए। तो दार्ट यूज़ करने के लिए मेरे को कुछ नहीं है। ओ गाइस ये क्या हो गया, मैंने गन वगैरह ही नहीं लाया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं इसे नॉकआउट करने के लिए, आई मीन यूनिकॉर्न को यूज़ कर लेते हैं नॉकआउट करने के लिए। यूनिकॉर्न से भी नॉकआउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और लाइक फाइनली नॉकआउट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, और हम लोग अब इसको टेम करने वाले हैं। चलिए हम लोग इसको जल्दी से टेम कर लेते हैं। तो इसको टेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्मूथिंग लेन दे देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं जल्दी से गाइस ऑटो क्लिकर ऑन करके आता हूँ लेवल अप देने के लिए। चलिए अब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते इसको कुछ भी, क्योंकि ये इसका मैक्स था। और यहाँ पे मैंने जो है ऑटो क्लिकर ऑफ कर दिया है, और अपने जो है यूनिकॉर्न को यहीं पे छोड़ देता हूँ मैं। वैसे इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, अभी इसको फाइट लेके देखना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा रेवोल्यूशन बढ़ाता हूँ, शायद वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी आप लोगों को। चलिए अभी ठीक है, और अभी हमें गीगा खोजना है, इसको गीगा खोजना ईजी है, मैं जल्दी गीगा भी खोज लूँगा। और पहले तो अभी फाइट लेके देखते हैं इसे।
तो हुड वगैरह भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है ये तो। और मुझे सामने की तरफ जाना है, उससे फाइट लेते हैं। ये क्या नाम है, टेप जा रहा है, कोई हिट मार के देखते हैं कैसा होता है। सो एक हिट में टेप जा रहा हमारा गया, थैरी को मार के देखते हैं। थैरी लेवल 10 का था, ये भी गया। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, गीगा से फाइट लेके देखते हैं। चलिए कोई भी डाइनो, एक एक हिट काफ़ी इन सभी के लिए। ये देखिए एक एक हिट काफ़ी इन सभी के लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है। ऑलराइट अभी जल्दी से गीगा खोलते हैं। गीगा खोलने के लिए हमें टीपी करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने टीपी कर लिया जल्दी से। और अभी हमें पैरासूट एक्टिवेट कर करके देखना पड़ेगा कि गीगा किधर है। चलिए तो गीगा भी मिल चुका है हमें, 400 मीटर दूर दिखा रहा है यहाँ से। और अभी दिख रहा होगा हमारा गॉड कंसोल नहीं काम कर रहा है। सो इसकी आधी एचपी वैसे ही हो गई। मुझे इसके गीगा को पैरासूट को ऑर्डर करना पड़ेगा पहले। तो हम लोग पहले गीगा के पास जाते हैं। किधर है गीगा हमारा, ओ ले सामने गीगा दिख रहा मुझे। पहले हील कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको हील कर दिया और आपको दिख रहा होगा अब जो है इसकी एचपी फुल है और मैंने कोई भी कंट्रोल्स वगैरह ऑन नहीं कर रखा है। अब हम लोग गीगा से फाइट लेते हैं। सो गीगा का लेवल 80 है और हम लोग इसको मारने वाले हैं अभी पैरासूट से। चलिए सो काफ़ी अच्छा फाइट ले रहा है, मैंने एक बार में 10K की एचपी जा रही है इसकी। 4K हो गई इसकी एचपी, 3K, 1K और ये गया गीगा हमारा। तो गीगा अंडर की कितना ज़्यादा ईजी हो गया हमारे लिए देखिए, मतलब कितना ज़्यादा ईजी हो गया। पैरासूट मार दे रहा गीगा को भाई, इतना ज़्यादा पावर हो जाता है एसेंडेंट क्रिएचर अनलॉक करने के बाद। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आप बिल्कुल मिस ना कर दें।